हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ बिजनेस सर्विसेज 12 स्टैंडर्ड कॉमर्स का, जहां पर हम लेक्चर नंबर 6 कवर करने वाले हैं फ्रॉम पेज नंबर 67। और आज का टॉपिक होने वाला है इंश्योरेंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंश्योरेंस, उसके बेसिक टर्मोलॉजीज, बेसिक मीनिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द बेसिक टर्मोलॉजी इन इंश्योरेंस, तो मेक श्योर कि आप वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। इससे आपको बहुत ज्यादा बोलते हैं ना क्लैरिफिकेशन मिलेगा रिगार्डिंग दी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है और कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत स्किप करने हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट आर द मीनिंग एंड टर्मोलॉजीज यूज्ड इन इंश्योरेंस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, आपने बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के नाम सुने होंगे, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस होगा, HDFC इंश्योरेंस आपने सुना होगा, द मोस्ट पॉपुलर LIC सुना होगा, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, या इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियां ऐसा हम कह सकते हैं। बट इन सभी इंश्योरेंस बेचने वाले कंपनियों के अंदर सारे टर्मोलॉजी सेम होती है, तो उन टर्मोलॉजीज को हमको वन बाय वन लेना पड़ेगा। पहला, व्हाट आर द मीनिंग, इंश्योरेंस इज द मींस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। मान लीजिए मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बाइक चला रहा हूँ, एंड खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, एट दैट टाइम अगर मेरी डेथ हो जाती है या बाय गॉड ऑफ ग्रेस अगर मैं बच जाता हूँ, लेकिन मुझे फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, इन दैट केस मेरी फैमिली को फिनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, लाइफ के अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, तो इन सभी इवेंट्स और एक्सीडेंट से बचने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हमें लॉस होगा तो हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन हमारी फिनेंशियल स्टेबिलिटी वहां पर हिल जाती है। हमारी फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी ना हिले और हमें फिनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिले, इसीलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, नाउ कम टू, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरी यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटिजेंट और अनसर्टेन लॉसेस। हम क्या करते हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर इसे लेते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके के अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, किसी भी तरीके के अनकंटिजेंसी से रिकवर होने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। हमारा प्राइमरी मोटिव भी वही होता है कि मुझे खुदा ना खास्ता मेरी कंपनी में लॉस हो जाए, रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस ले लो। ठीक है, अगर आप टाइमली कुछ ना कुछ पेमेंट करोगे, जिसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं, तो एट अ टाइम ऑफ लॉस कंपनी को उसका रिकवरी करके मिल सकता है, एट अ टाइम ऑफ अनसर्टेन लॉसेस, तो इंश्योरेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। दो वर्ड याद रखना, कौन कौन सा बोला मैंने, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, वेयर बाय द इंश्योरर एग्रीज टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। अब आपके मन में ये आ गया, सर ये इंश्योरेंस में इंश्योर्ड और इंश्योर्ड ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसी कॉन्सेप्ट के लिए तो हम बेसिक टर्मोलॉजीज को कवर करने वाले हैं। नॉट कम टू द पॉइंट, हु इज इंश्योरर एंड हु इज इंश्योर्ड। मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं इन सभी कंपनियों में से किसी एक कंपनी के पास जा रहा हूं फॉर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लीजिए मैं LIC के पास गया, मान लीजिए मैं रिलायंस के पास जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं मेट लाइफ के पास जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं HDFC लाइफ के पास जा रहा हूँ, तो मैं जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए इंश्योरर है। क्या है वो मेरे लिए, इंश्योरर, अंडरस्टूड। और मैं पॉलिसी होल्डर, तो पॉलिसी होल्डर मतलब इंश्योर्ड। आई होप आपको ये दो टर्मोलॉजी क्लियर हो गई होगी। द इंश्योर्ड हैज टू पे अ सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी ऑन द टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर। माय डियर, जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे कंपनी में क्या भरना है, इंश्योरर
के तौर पर इंश्योरर को क्या भरना है, इंश्योर्ड, इंश्योरर को, इंश्योर्ड इंश्योरर को क्या भरेगा, प्रीमियम भरेगा। और एट अ टाइम ऑफ लॉस इंश्योरर मुझे क्या देगा, क्लेम। समझ में आ गई बात। मान लो मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया, मैं हर महीने, हर क्वार्टरली या मंथली या ईयरली या सेमी एनुअली, जैसा हम लोग डिसाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, उस बेसिस पर मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब मुझे जब लॉस होगा, मुझे किसी तरीके की अनसर्टेनिटीज मेरे साथ हो जाएगी, तो इन दैट केस कंपनी मुझे कुछ पैसे रिटर्न करेगी, उस अमाउंट के लिए मुझे क्लेम करना होगा, और वो मुझे बदले में जो देगी उसको बोलेंगे कंपेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंपेंसेशन। आई होप आपको इसमें क्लियर आ गई होगी, क्लैरिटी आ गई होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक टर्मोलॉजीज। ठीक है, हमारे सामने कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज आपको दिख रही है। पहला, पॉलिसी ओनर, लाइफ इंश्योर्ड, नॉमिनी, प्रीमियम, प्रीमियम मोड, ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड, पेमेंट टर्म, पॉलिसी टेन्योर, मैच्योरिटी डेट, बेनिफिट एंड सो ऑन। अब ये एक्सैक्टली व्हाट आर द बेसिक टर्मोलॉजीज, तो पहली टर्मोलॉजी हम लोग लेंगे इंश्योर्ड। सर अभी आपने बताया इंश्योर्ड मतलब होता है पॉलिसी होल्डर। जी हाँ मेरे फ्रेंड, जो लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लेता है, जो लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लेता है, वो पॉलिसी होल्डर होता है, इसीलिए उसको कहते हैं इंश्योर्ड। इंश्योर्ड इज ऑल्सो नोन एज अश्योर्ड, अश्योर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ही इज द पॉलिसी होल्डर, और लाइफ इंश्योरेंस के केस में मैं बन गया पॉलिसी होल्डर। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट टर्मोलॉजी लेते हैं इंश्योरर। अभी मैंने बताया इंश्योरर मतलब पॉलिसी वाली कंपनी। ठीक है, मैं जिस कंपनी की पॉलिसी लूंगा तो वो कंपनी मेरे लिए इंश्योरर है। तो द फर्म और अ पर्सन हु एग्रीज टू कंपेंसेट, जो कंपनी मुझे कंपेंसेशन देने के लिए एग्री कर रही है अगेंस्ट द लॉसेस और अ कंसिडरेशन, दिस कंसिडरेशन इज नोन एज प्रीमियम, उसको बोलेंगे इंश्योरर। यानी कंपनी आप मेरे लिए क्या बन गई, इंश्योरर बन गई। इंश्योरर इज नोन एज अश्योरर। ठीक है, In case of life insurance contract, because he is bound to get the sum assured on the maturity of the policy, or the nominee will get the sum assured on the death of a policy holder. मैं पॉलिसी होल्डर, मेरे साथ अगर कोई हादसा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी विल गोइंग टू कंपेंसेट मी, बट अगर मेरी डेथ हो गई, इन दैट केस वो मेरे लीगल हायर। सर लीगल हायर मतलब कौन, लीगल हायर मतलब होता है मेरे नॉमिनी को पैसा देगा। हम समझ में आ रही बात, यस सर। Now come to next concept, that is premium. Premium the compensation. ठीक है, premium क्या होता है, the consideration which the insurer agrees to insurer. ठीक है, the insured यानी मैं insured, मैं policy holder, insurer को जो पैसे timely payment करूंगा उसको बोलेंगे premium. It is paid by the insured to the insurer which the policy is taken. अगर मैंने policy ली है तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एग्रीड टाइम पीरियड पर वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट टर्मोलॉजी, दैट इज पॉलिसी। द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। भाई साहब, इंश्योरेंस कंपनी और मेरे, इंश्योरेंस कंपनी और मेरे में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे पॉलिसी। It is contained the terms and condition of insurance contract. इसके अंदर क्या चीजें लिखी होगी, इसमें terms and conditions लिखी होगी। सर किसकी terms and condition, policy की condition। किन cases में, याद है आपको कांजीलाल जी मेहता, जिसके अंदर जिसका act of God की वजह से दुकान गिर गई थी, अब उसमें एक छोटा सा क्लॉज लिखा, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से केस गया था, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लिखी हुई होती है, और अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन बिना पढ़े अगर आपने साइन कर दिया, इन दैट केस आप उसके विक्टिम बन सकते हैं, जिस तरीके से कांजीलाल जी मेहता बना था। ठीक है, तो आपको कोई भी इंश्योरेंस की कंसल्टेंसी अगर आप कर रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो, तो बिफोर कंसल्टेंसी या बिना बोलते ना पॉलिसी लेने से पहले सारी चीजें क्लैरिटी होने के बाद ही आप इस पर भरोसा करके पॉलिसी लीजिए।
Now come to claim. Sir, what is claim? अभी आपने बताया सर, सर अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे साथ कुछ हादसा हो जाता तो मुझे कंपनी के पास क्लेम मांगना होगा. यस, वही बात कर रहा हूँ. इट इज डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर. इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू कंपेंसेट ऑफ लॉस अकर्ड ड्यू टू मिशा. समझा, अनसर्टेनिटीज की वजह से जो मुझे लॉसेस हुआ है उस लॉसेस को कंपेंसेट करने का काम इंश्योरेंस कंपनी करेगी, जिसे हम इंश्योरर करते हैं कहते हैं. प्रपोजल, तो कोई भी आ रहा ना करा कैसे भी अपनी मर्जी से क्लेम देगा क्या? नहीं. कोई अपनी मर्जी से पैसा देगा क्या? नहीं. उसके लिए आपको प्रपोजल करना पड़ेगा. ठीक है, आपको प्रपोज्ड करना पड़ेगा. इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इश्यू इंश्योरेंस पॉलिसी. यानी मान लो कि मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मुझे अप्रोच करना होगा. मुझे अप्रोच करना होगा तो मैं उसे रिटर्न रिक्वेस्ट भेजूंगा कि भाई मुझे पॉलिसी लेनी है. अभी तो वो फोन पे काम हो जाता है, लेकिन अगर पहले कंपनी के दरवाजों पर अगर आपको दस्तक देकर पॉलिसी लेनी पड़ती होगी तो पहले आपको प्रपोजल देना होता था. नाउ कम टू सब्जेक्ट मैटर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका सब्जेक्ट मैटर. It refers to the subject or entity that is life, property, cargo or ship etc. which is insured against. मान लो मैं इंसान हूँ, मैं अपनी जिंदगी की पॉलिसी ले रहा हूँ तो मेरा सब्जेक्ट मैटर लाइफ हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल के लिए पॉलिसी ले रहा हूँ तो मेरा मोबाइल इज अ सब्जेक्ट मैटर. अगर मैं शिप के लिए ले रहा हूँ तो शिप इज माई सब्जेक्ट मैटर. मैं गाड़ी के लिए ले रहा हूँ तो कार कार या फिर बस या टेम्पो या मेरा टू व्हीलर व्हीकल मेरा भी सब्जेक्ट मैटर हो जाने वाला है. तो अगर मैंने उसकी जैसे बोलते हैं कार इंश्योरेंस, तो कार को कुछ होगा तो कार इंश्योरेंस विल गोइंग टू पे. बाइक को कुछ होगा तो बाइक इंश्योरेंस विल गोइंग टू पे. तो इस तरीके से आपको वो सब्जेक्ट मैटर आपका मैटर करता है कि आप कौन सा ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस का या आप मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एक्सीडेंट एंड सो ऑन. ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये बेसिक टर्मोलॉजीज थी जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि अगले लेक्चर्स में हम इंश्योरेंस के आगे की कुछ और टर्मोलॉजीज और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस करने वाले हैं. उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज आपको फ्यूचर में मिलने के वाले हैं. वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए. इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे. मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.